उत्तराखंड में विकास के नाम पर जंगलों की कटाई कोई नई बात नहीं है। इस बार देहरादून के रायपुर क्षेत्र में स्थित खलंगा चर्चाओं में है। दरअसल इस क्षेत्र में एक बड़ा जलाशय बनाने की बात कही जा रही है, जिसके लिए 2000 पेड़ काटे जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। फिलहाल वन विभाग द्वारा पेड़ों पर लाल निशान लगाए गए हैं और इस योजना के लिए टेंडर भी किए जाने की बात कही जा रही है। वहीं पेड़ों पर नंबरिंग होने के बाद स्थानीय लोगों और युवाओं का विरोध शुरू हो गया है। युवाओं ने खलंगा में पर्यावरण बचाने के लिए विशेष अभियान छेड़ दिया। इस अभियान में धीरे धीरे युवा जन समर्थन जुटाने की कोशिश में भी लग गए। दरअसल इस क्षेत्र में जिन पेड़ों को काटा जाना है उन पर वन विभाग के कर्मचारी लाल निशान लगा चुके हैं। बस यही लाल निशान युवाओं को परेशान कर रहे हैं और शायद इसलिए युवाओं ने ही अब देहरादून में पेड़ों को काटे जाने के खिलाफ अभियान खड़ा करने का बीड़ा उठा लिया है। पेड़ कटने के खिलाफ चल रही अभियान के लिए वन क्षेत्र में पहुंचे सिंधुजा कहती हैं कि युवा पीढ़ी बिल्कुल भी नहीं चाहती कि जंगल काटा जाए, लेकिन न जाने हमारे राजनेता और सरकार क्या चाहती है। हम बचपन से इस जंगल को देख रहे हैं, लेकिन अब किसी योजना के नाम पर बड़ी संख्या में पेड़ काटे जाने की बात कही जा रही है। हमें और स्थानीय लोगों को इससे एतराज़ है। सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनर्विचार करना चाहिए। होने लगा है बरसातों में, पीछे माल देवता पे आप देखिए, बरसात में पूरा का पूरा पहाड़ दरक गया। क्यों बनाए जा रहे प्लॉट्स, क्यों जंगल काट रहे हैं? तो अगर हम ये नहीं समझ रहे हैं तो बहुत ही दुख की बात है। हमारे जो हम डेमोक्रेसी कहते हैं, हमारे जो जनप्रतिनिधि जिन्हें हमने वोट दे के चुना है, हम उनसे ये विनती करेंगे कि वो आए, हमारी बात सुने। हमको ये नहीं चाहिए, आप ये हमारे लिए कर रहे हैं। ये जो सारा डेवलपमेंट है जनता के लिए किया जा रहा है, तो जनता इसको रिजेक्ट कर रही है। जनता कह रही है कि प्लीज़ पेड़ मत काटिए, सुंदर सा मंदिर है, सुंदर सी ये जो पर्यावरण की यहाँ पर इतना धरोहर है हमारी, उसको नष्ट मत करिए जी। वहीं कांग्रेस नेता राजीव महर्षि ने कहते हैं कि सरकार हरे भरे पेड़ों को काटने की साजिश रच रही है। ये जंगल वन और मानव जीवन को सुरक्षित और संरक्षित रखने की जगह है और ये पेड़ पर्यावरण को बचाने के साथ ही ऑक्सीजन देने का काम भी करते हैं। लेकिन सरकार विकास के नाम पर इतने सारे पेड़ों पर आरी चलाने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि जिन अधिकारियों ने ये योजना बनाई है वो उनका दिवालियापन दर्शाते हैं। राजीव ने बताया कि पूर्व में वन अधिनियम 1980 जैसे सख्त अधिनियम के तहत खेत में साल के पेड़ को काटने की परमिशन लेने के लिए भी फाइल दिल्ली भेजनी पड़ती थी और अब सरकार 2000 पेड़ काटने की योजना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों के साथ मिलीभगत में वन माफिया भी शामिल है, इसलिए इतने पेड़ों को काटकर प्रकृति से खिलवाड़ करने की कोशिश की जा रही है। यदि आप किसी चीज को छेड़ते हैं, आप आश्वासन देते हैं कि हम इससे अधिक हम जो है पेड़ लगाएंगे, लेकिन मैं यही तो सवाल सरकार से पूछ रहा हूँ कि आपने कौन सा पेड़ लगाया, आप दिखाएं ना। सहजारा रोड पर आपने या राजपुर रोड पर या जहाँ भी आपने स्मार्ट सिटी के नाम पर सड़क निर्माण के लिए, चौड़ीकरण के लिए या आपने फुटपाथ बनाने के लिए अगर पेड़ काटे हैं तो आपने कितने पेड़ लगाए, सरकार दिखाए। स्मार्ट सिटी योजना अगर आप लाए तो उसमें पेड़ लगाने की योजना भी तो होगी, तो सरकार ने उस पर कहाँ अमल किया? कोई पेड़ आज तक हमने नहीं देखा ट्री प्लांटेशन के नाम पर। नगर निगम एक बड़ा ड्राइव चला सकता है पौधे लगाने का। देहरादून में जागरूक लोगों की कमी नहीं है इस शहर में, और यदि जागरूकता है। करीब 2000 पेड़ काटे जाने और इस पर युवाओं के विरोध प्रदर्शन को लेकर यमुना व्रत वन संरक्षण कहकशा नसीम ने बताया कि खलंगा में वाटर ट्रीटमेंट पर रिजर्व वायर के लिए योजना को फिलहाल सैद्धांतिक मंजूरी नहीं मिली है। साल 2020 में ही इस पर प्रपोजल आ गया था, लेकिन तब से अब तक फिलहाल औपचारिकताओं को ही पूरा किया जा रहा है। कहकशा नसीम ने बताया कि लोगों को ये विरोध पेड़ों पर नंबरिंग होने के बाद शुरू हुआ। हालांकि अभी ये योजना यहाँ पर आएगी इस पर भी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं है। इससे पहले वन विभाग इस योजना को किसी दूसरी जगह पर शुरू किए जाने के लिए कुछ और क्षेत्र का विकल्प भी दे चुका है। हालांकि पेयजल विभाग तकनीकी कारणों से इसी जगह को योजना के लिए सबसे बेहतर मान रहा है। उन्होंने बताया कि करीब 2000 पेड़ों पर योजना के लिए नंबरिंग की गई है, लेकिन क्योंकि अभी इस योजना की सैद्धांतिक मंजूरी भी नहीं हुई है तो अभी योजना को लेकर स्थिति बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है। इस योजना पर यहाँ करीब 5 से 6 हेक्टेयर वन क्षेत्र लगना है, लेकिन यदि योजना शुरू भी होती है तो 2000 पेड़ काटे जाएंगे ये तय नहीं है। उसकी आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो फ्यूचरिस्टिक प्लान को देखते हुए स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने ये किया कि भाई इनको पीने के लिए पानी जो है अवेलेबल कराया जाए,
20 साल या 30 साल अहेड कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ के हिसाब से प्रेडिक्ट करते हुए एक सॉन्ग ड्रिंकिंग वाटर डैम प्रोजेक्ट जो पास हुआ भारत सरकार द्वारा, जिसमें सॉन्ग नदी पर एक ड्रिंकिंग वाटर डैम बन रहा है, पूरी योजना उसकी चली, वो क्लियर भी हो चुका है, फॉरेस्ट क्लियरेंस भी हो चुका है उसका। इसमें उसके सब्सिडियरी जो वाटर रिजर्वायर जो बनना था और वाटर ट्रीटमेंट प्लान बनना था जो पेयजल संस्थान बना रही है उसका, वो प्रोजेक्ट उन लोगों ने जो सब टेक्नोलॉजी के हिसाब से जो मार्क किया वो खलंगा की जो हिल्स है उस पर उन्होंने मार्क किया हुआ है। कहकशा नशीम बताती हैं कि देहरादून शहर में पेयजल की समस्या को खत्म करने और आने वाले सालों तक अनुमानित जनसंख्या को समझते हुए इस योजना की शुरुआत की गई है। सोंग डैम से पेयजल शहर तक पहुंचाना है और इसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रिजर्वायर की व्यवस्था की जानी है, इसलिए जमीन की तलाश की जा रही है। फिलहाल पेयजल विभाग को खलंगा का वन क्षेत्र सबसे बेहतर क्षेत्र लग रहा है। हालांकि वन विभाग ये कोशिश कर रहा है कि पेयजल विभाग कुछ दूसरे विकल्पों पर भी विचार करे ताकि साल के इन जंगलों को बचाया जा सके। खलंगा नाम भारत के इतिहास में दर्ज है। ये क्षेत्र अंग्रेजों की शर्मनाक हार के लिए याद किया जाता है। इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को देखें तो यहाँ पर 1814 में ब्रिटिश और होरगांव के बीच एक भीषण युद्ध हुआ था। उस समय के आधुनिक हथियारों से लैस ब्रिटिश हुकूमत के हजारों सैनिकों ने गोरखाओं पर हमला कर दिया था। इस क्षेत्र में शरण लिए हुए गोरखा अचानक हुए सत्यक्रमण से हैरान रह गए थे। बताया जाता है कि उस समय केवल 600 गोरखा सैनिक की यहाँ मौजूद थे, लेकिन जब युद्ध शुरू हुआ तो गोरखाओं ने रण में ऐसा शौर्य दिखाया कि ब्रिटिश सैनिक युद्ध भूमि छोड़ने को मजबूर हो गए। उस दौरान गोरखा सैनिकों द्वारा करीब 781 अंग्रेज सैनिकों को मार गिराया गया। गोरखा सैनिक उस समय तलवार और खुरकरी लेकर अंग्रेज सैनिकों पर चढ़ बैठे थे। बड़ी बात यह है कि खुद अंग्रेज भी इस लड़ाई के बाद गोरखाओं के शौर्य की गाथा गाने लगे थे और उन्होंने गोरखा सैनिकों की बहादुरी को देखकर इसके ठीक एक साल बाद 1815 में गोरखा रेजिमेंट की स्थापना भी की। ये लड़ाई गोरखाओं ने वीर बलभद्र के नेतृत्व में लड़ी थी और इस लड़ाई की ऐतिहासिक जीत के बाद खलंगा में खलंगा वॉर मेमोरियल की स्थापना की गई। इसी ऐतिहासिक जंगल को बचाने के लिए आज युवा शक्ति ने बागडोर अपने हाथ में लेकर सरकार को पुनर्विचार करने पर मजबूर करने की ठान ली है। देखिए, जो खलंगा वाला मैटर है उसमें स्थानीय लोगों की ही पेयजल की किल्लत थी, जिसको सुधारने के लिए हमने पेयजल योजना के माध्यम से अभी एक सर्वे करवाया है, क्योंकि हर घर और हर नल की जो योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की है उसके तहत हम सभी लोगों को पानी मुहैया करवा पाएं, वो हमारा एक लक्ष्य था और इसी को लेकर एक सर्वे हुआ है जिसमें ये पेड़ काटने वाली बात आ रही है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि पहले तो पेड़ काटे ना जाएं, और बहुत ही ज़्यादा अगर ज़रूरी है तो जहाँ पे पेड़ कट रहा है वहाँ पे उसकी जगह 3-3 पेड़ लगाए जाएं ताकि पर्यावरण को भी किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो।